हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता और आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ वंडर शेफ़ का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो हर होम बेकर के पास ज़रूर होना चाहिए। मैं इस प्रोडक्ट को लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू लेकर आई हूँ। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जैसे ही इसे खोलेंगे ना हम, उसके सबसे पहले आता है वारंटी कार्ड। ये वारंटी कार्ड है, फिर साथ में है मैनुअल और ये है स्क्रैपर। इन्होंने प्लास्टिक का स्क्रैपर दिया है। साथ ही आएंगे 2 अटैचमेंट्स, ये देखिए, ये है विपिंग करने के लिए, क्रीम विप करने के लिए, और दूसरा वाला है डो बनाने के लिए। इसे साइड में रख देते हैं और ये आता है मेन पोर्शन। ये है इसका बीटर, इसे आप स्टैंड में लगाकर या हाथ से दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें 5 स्पीड मोड है, साथ में टर्बो भी है और ये है मशीन का मेन पार्ट। इसे निकाल लेते हैं। इसे अनकवर कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये बीटर के साथ ये हम अटैचमेंट लगा लेते हैं विपिंग का। तो यहाँ पर जो ये वाइट वाला जो दिख रहा है ना फ्लावर जैसा, उसे हमें राइट हैंड साइड में ही लगाना है। अगर आप लेफ़्ट साइड में लगाएंगे तो ये आपका मशीन के अंदर जाएगा ही नहीं, तो इसे ध्यान रखिएगा। वाइट वाला पोर्शन जो है वो राइट हैंड साइड में रहेगा और दूसरा वाला लेफ्ट हैंड साइड में। इसे अच्छे से लगा के लॉक कर देना है। अब ये जो बाउल है, देखिए काफ़ी बड़ा सा बाउल है, इसमें बहुत सारा क्रीम एक साथ विप कर सकते हैं। ये इसका अटैचमेंट और एक है जो हमें अच्छे से लगाना है। ये बाउल जो है देखिए इस तरह से लगाएंगे और ये वाला जो है इसे दोनों साइड में अच्छी तरह से दबा देंगे। अब पीछे जो बटन दिया है सिल्वर कलर का, उसे दबा के हम जो बीटर है उससे मशीन के साथ फिक्स कर देंगे। और ये जो बटन है सामने की तरफ, इसे दबा के इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए मशीन चलाने के लिए तैयार है, प्लग में लगा देंगे और ये देखिए अलग अलग मोड्स पे इसे चला सकते हैं। तो जैसा भी आपको स्पीड चाहिए आप एडजस्ट कर लीजिए। और ये देखिए ये बाउल और ये मशीन दोनों एक साथ रोटेट होते रहते हैं, जिससे आपका क्रीम जो है एकदम परफेक्टली विप होता है। आप इसमें क्रीम विप कर सकते हैं और डो भी बना सकते हैं। डो के लिए आपको दूसरा वाला अटैचमेंट सेम तरीके से लगाना पड़ेगा। जब आपका क्रीम विप हो जाए तो इस तरह से एक एक करके आप सारे अटैचमेंट्स को डिसमेंटल कर सकते हैं। पीछे से दबा के वापस से खोल लीजिए और ये जो बीच में इजेक्ट बटन दिया है ना बड़ा सा, इसे दबा के आप ये दोनों अटैचमेंट्स को निकाल सकते हैं। ये यूज़ करने में बहुत ही आसान है और मैं इसे करीब 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगा ये। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।